नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। चाचा भतीजे के कहानी से आप वाकिफ होंगे। बिहार में जिस तरीके से चाचा भतीजे का रिलेशन बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका है, इसके पहले नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव चाचा भतीजे थे। अब एक और चाचा भतीजे बिहार की राजनीति में आ गए हैं, जो हैं चिराग पासवान और पशुपति पारस। सभी कहानी आप परत दर परत देखे हुए हैं, सभी कहानी के बारे में आप जानते हैं, लेकिन इन सभी कहानी के बाद अब एक नई कहानी इसमें आ गई है। चाचा मंत्रिमंडल में शामिल हो गए, मंत्री बना दिए गए। भतीजा ने उन पर आरोप लगा दिया और कोर्ट के शरण में चले गए। लेकिन अब देखना यह होगा कि कोर्ट का क्या निर्णय आता है और लोजपा किसके कब्जे में जाती है। इन सभी खबरों के बीच मंत्रिमंडल विस्तार के बाद चाचा आज पहली बार मीडिया के सामने आए और उन्होंने कई ऐसे बातें कह दी जो भतीजे के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। चिराग पासवान इन दिनों आशीर्वाद यात्रा पर हैं, आज बेगूसराय का उनका यात्रा था और उसमें वो लगातार अपने चाचा पर अग्रेसिव हैं। आपको बता दें कि जिनसे उनका गठबंधन है, यानी भाजपा से उनका गठबंधन था, उस पर वो बोलने से बच रहे हैं, लेकिन अपने चाचा पर खुलकर बोल रहे हैं। तो चाचा ने भी उन पर आज खुलकर बोल दिया है। पशुपति पारस ने मीडिया से बातचीत करते हुए चिराग पासवान की सारे पोल खोल दिए हैं। हम आपको बता रहे हैं कि ये पोल कौन कौन से हैं। सबसे पहले उन्होंने अपने भाई रामविलास पासवान को बताया कि वो हमारे लिए आदरणीय हैं और उन्हें भारत रत्न मिलनी चाहिए और हाजीपुर और पटना में उनकी एक प्रतिमा बननी चाहिए। ये खबर पुरानी है, लेकिन अब नई क्या है हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि 1969 में रामविलास पासवान ने अपनी राजनीति का शुरुआत की और चार बार पांच बार वो विधायक रहे, उसके बाद हाजीपुर से सांसद बने, तो वो भारत सरकार में मंत्री भी बने थे। और मैं भी चार बार बिहार सरकार में मंत्री रह चुका हूँ, पाँच छः बार विधायक रह चुका हूँ, तो रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी मैं हूँ, क्योंकि रामविलास पासवान ने जिंदा रहते हुए मुझे हाजीपुर सीट दे दी थी। वहीं अपने मंत्रिमंडल के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में बहुत सारी संभावनाएं हैं, फूड कॉरपोरेशन के लेकर बिहार में लीची और मकई की बहुत ज़्यादा खेती होती है, तो उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने चिराग पासवान पर हमला बोला कि चिराग पासवान भले ही रामविलास पासवान के जो संपत्ति है उनके वारिस हो सकते हैं, उनके उत्तराधिकारी हो सकते हैं, लेकिन उनके राजनीतिक का उत्तराधिकारी मैं ही हूँ। और बेजाबता उन्होंने ये भी बात कह दी कि मैं लोजपा के कोटे से मंत्री बना हूँ। अभी तक ये खबरें आ रही थी कि वो जेडीयू लोजपा सभी लोग बता रहे थे कि हो सकता है लोजपा से है, निर्दलीय से है, जेडीयू से है, लेकिन चाचा ने इस बात पर मुहर लगा दी कि मैं लोजपा के कोटे से ही मंत्री बना हूँ। अब देखना होगा कि चिराग पासवान की इस पर क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है, क्योंकि चिराग पासवान कोर्ट की शरण में भी गए हैं और पार्टी का जो उनका सिंबल है बंगला छाप और पार्टी के नाम के लिए वो निर्वाचन आयोग भी जा चुके हैं। हालांकि अभी फैसला आना बाकी है, जो भी फैसला आएगा हम आपको बताएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।